नमस्कार, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम बिहारनामा में। आज देश में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टाइम टू टाइम विरोधियों के लिए किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बहाने लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का परिवार राजनीति में है क्या? ये सच है कि लालू यादव परिवारवाद के लिए बदनाम है और ये परिवार हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहता है। लेकिन लालू यादव की पार्टी में ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2010 में विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को विधानसभा का टिकट देने का विरोध कर दिया था। इतना ही नहीं, जब बेटा बगावत करते हुए दूसरे दल की टिकट लेकर खड़ा हो गया तो पिता ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार किया और बेटे के खिलाफ कैंप भी किया। नतीजा रहा कि उनका बेटा हार गया। हम बात कर रहे हैं लालू यादव के भरोसेमंद नेता और बिहार में कई बार मंत्री रहे जगदानंद सिंह की और उनके बेटे सुधाकर सिंह की। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बेटे को भी गलती का एहसास हुआ, वे फिर से आरजेडी में आ गए। 2020 के चुनाव में पिता जगदानंद सिंह ने साथ दिया, जिसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए और विधायक भी बन गए। दरअसल जगदानंद सिंह अपने इलाके के दबंग नेता माने जाते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कैमूर की रामगढ़ सीट से 6 बार विधायक रहे जगदानंद सिंह को बक्सर से आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बना दिया था। वे शुरू से ही लालू के खास रहे हैं और आज भी हैं। आज जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। 2009 में जगदानंद सिंह सांसद बन गए। उनके इस जीत से रामगढ़ की सीट खाली हो गई। उसी साल रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। पार्टी चाहती थी कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को यहां से टिकट दिया जाए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर और जेपी को आदर्श मानने वाले जगदानंद सिंह का कहना था कि इससे वंशवाद को बढ़ावा मिलेगा और आम कार्यकर्ता निराश होंगे। लेकिन पिता की जिद के आगे सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई। सुधाकर सिंह फिर चाहते थे कि इस बार तो उन्हें टिकट जरूर मिलेगी। पार्टी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जगदानंद सिंह ने फिर इसकी सहमति नहीं दी। लेकिन सुधाकर को लगा कि बाद में पिता मान जाएंगे, सो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पर्चा भर दिया। जब इन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को मौका मिल गया। मौके की तलाश में बैठी बीजेपी ने उन्हें टिकट थमा दिया। बीजेपी चाहती थी कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण वो लालू के गढ़ को ध्वस्त कर दे। जगदानंद सिंह की स्थिति काफी विकट हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या नहीं। सियासी एक्सपर्ट बताते हैं कि लालू यादव भी इसे लेकर बहुत कुछ नहीं कह रहे थे। उन्हें जगदानंद सिंह पर भरोसा था। वो कहते रहे कि जगदा बाबू जो करेंगे आरजेडी की भलाई के लिए ही करेंगे। इलाके में लोग कहने लगे कि हो सकता है कि अंदर ही अंदर सुधाकर सिंह को जगदानंद सिंह सपोर्ट कर दे, लेकिन इससे जगदानंद सिंह की बड़ी बदनामी हो रही थी। समाज में गलत मैसेज जा रहा था। इस मिथक को तोड़ने के लिए जगदानंद सिंह ने रामगढ़ में कैंप कर दिया। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी के लिए जमकर पसीना बहाया। बीजेपी का काफी मुखर होकर विरोध भी किया। रिजल्ट भी मिला। सुधाकर सिंह चुनाव हार गए। इससे जगदानंद सिंह बदनाम होने से बच गए। उनकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी और बाद में पिता पुत्र में वर्षों तक बोलचाल बंद रही। बहुत दिनों तक दोनों के रास्ते भी अलग रहे। इसके बाद स्थिति और परिस्थिति बदली। इतिहास ने करवट लिया। पॉलिटिक्स का सिनारियो चेंज हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामगढ़ से अशोक सिंह को मैदान में उतार दिया। उधर जगदानंद सिंह 2014 का चुनाव बक्सर से हारकर कमजोर पड़ गए थे। बीजेपी ये सीट जीतकर संदेश देना चाहती थी कि लालू यादव का आखिरी किला ध्वस्त हो चुका है। आखिरकार आरजेडी उम्मीदवार अंबिका यादव चुनाव हार गए और बीजेपी के अशोक सिंह ने यहां भगवा फहरा दिया। इसके बाद सुधाकर सिंह को भी लगा कि उन्होंने बीजेपी में आकर गलती कर दी है। दरअसल जगदानंद सिंह चाहते थे कि सुधाकर को पिता के नाम पर नहीं बल्कि उनके काम पर टिकट मिले। तब सुधाकर सिंह ने आरजेडी में आकर संगठन के लिए काम किया और इसका लाभ इन्हें बखूबी मिला। 2020 के चुनाव में सुधाकर सिंह को आरजेडी ने रामगढ़ से टिकट दिया। इस बार पिता जगदानंद सिंह ने मदद की, बेटे के लिए प्रचार किया और सुधाकर सिंह जीत गए। हालांकि वे काफी कम वोट से जीते, मगर जीत तो जीत होती है। दरअसल एक्सपर्ट बताते हैं कि जगदानंद सिंह ने जब सुधाकर सिंह का विरोध किया था तो वो दो तरह के एग्जाम्पल देना चाहते थे। वो लालू को भी मैसेज दे रहे थे कि वंशवाद ठीक नहीं, दूसरी ओर बेटे को ये बताना चाह रहे थे कि पैराशूट पॉलिटिक्स ठीक नहीं होती। तो ऐसे हैं जगदानंद सिंह। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।